हेलो दोस्तों, वेलकम टू एंडेवर इमिग्रेशन यूट्यूब चैनल। दिस इज गौरव। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया विस्टर वीज़ा ट्रेंड इन 2024। जैसे कि 2023 में जो ऑस्ट्रेलिया का विस्टर वीज़ा ट्रेंड है वो काफ़ी वीक रहा है। चाहे आप वहाँ पे किसी फैमिली मेम्बर्स को मिलने जा रहे हो या आप वहाँ पे सिर्फ टूरिज्म पर्पस के लिए जा रहे हैं, तो पिछले साल जो है काफ़ी रिफ्यूज़ल्स आई थी। कुछ लोगों की मल्टीपल रिफ्यूज़ल्स थी। बहुत सारी जो रिफ्यूज़ल थी वो ऐसे लोगों की थी जो जिनके कोई भाई बहन या कज़न वहाँ पे रहते हैं, कोई पीआर भी थे, कोई उनमें से टेम्प्रेरी वीज़ास भी थे, तो काफ़ी जो है पीआर के रिश्तेदारों के भी जो है वीज़ास रिफ्यूज़ हुए थे। इसके अलावा कुछ पेरेंट्स की भी रिफ्यूज़ल्स आई थी, जिनके जो बच्चे वहाँ पे स्टडी वीज़ा पे हैं या 485 वीज़ा पे हैं, तो वो जो है अपने पेरेंट्स की इनकम को जस्टिफाई नहीं कर पाए। स्पेशली अगर किसी की मदर की बुटीक की इनकम है तो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि कुछ ऐसे ऑक्यूपेशंस होते हैं जो DIB की लिस्ट में जो है ब्लैक लिस्टेड है। उसके अलावा अगर किसी की एग्रीकल्चर इनकम होती है तो वो उसको प्रॉपरली जो है जस्टिफाई नहीं कर पाता या अपनी फाइल को अच्छे तरीके से जो है प्रेजेंट नहीं कर पाता, तो उनकी रिफ्यूज़ल आ रही थी। तो उनमें क्या क्या सुधार हुए हैं 2024 में, हम इन्हीं बातों पर डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलियन वीज़ा ऑफिसर जब आपके डॉक्यूमेंट्स देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो ध्यान देते हैं वो देते हैं इनकम टैक्स रिटर्न्स पे। वो देखते हैं कि इस एप्लीकेंट की इनकी होम कंट्री में इनकम कितनी है, जहाँ ये एप्लीकेंट जो है वापस जाएगा या नहीं जाएगा, इसके इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस कैसे हैं इसकी होम कंट्री में। तो अगर हम इनकम टैक्स रिटर्न्स की बात करें तो अगर आप यंग एप्लीकेंट हो तो आई हाईली रिकमेंड कि आपकी जो है इनकम टैक्स रिटर्न्स है वो टैक्सेबल होनी चाहिए, चाहे वो 7 लाख की है चाहे 8 लाख की है। पिछले 2 साल की जो है टैक्स रिटर्न्स अगर आपने प्रॉपरली लगाई हुई हैं, 2 साल के टैक्सेस पे किए हुए हैं, तो आपका जो है वीज़ा आ जाएगा। अगर आपने टोटली अपनी जो है इनकम टैक्स फ्री दिखाई हुई है तो आपके जो है ऑस्ट्रेलिया वीज़ा आने के चांसेस बहुत कम है। इफ़ यू आर ए यंग एप्लीकेंट, चाहे आपका कोई ब्रदर वहाँ पे TR पे है, चाहे PR पे है, चाहे सिटीजन है, तो अगर टैक्स फ्री इनकम है तो जो चांसेस हैं वो बहुत कम रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं पेरेंट्स की। तो पिछले साल काफ़ी लोगों के जो है पेरेंट्स के वीज़ास भी रिफ्यूज हुए थे। गुड थिंग इज़ कि पेरेंट्स के अब वीज़ाज आ रहे हैं। अगर उनकी टैक्स फ्री इनकम भी है, चाहे कोई होम मेकर भी है किसी, अगर हमने उनके भी वीज़ास लिए हैं, हमने रिसेंटली 7-8 वीज़ास लिए हैं जिनमें से जो पेरेंट्स थे पिछले साल पहले ही रिफ्यूज थे। कुछ पेरेंट्स के तो 2-3 बार भी रिफ्यूज़ल्स थी, और कुछ एग्रीकल्चर प्रोफाइल वाले थे, कुछ बुटीक वाले थे या कोई ब्यूटी पार्लर वाले थे, हमने उनके वीज़ास लिए हैं आफ्टर रिफ्यूज़ल विद प्रॉपर जस्टिफिकेशन। अब हम बात कर लेते हैं आफ्टर रिफ्यूज़ल, अगर आपके किसी कज़न की रिफ्यूज़ल आई है और या आपके किसी भाई बहन की रिफ्यूज़ल आई है तो उसका ट्रेंड कैसा चल रहा है। तो उसमें भी ये देखो कि अगर आपकी फ़ाइल में कोई इम्प्रूवमेंट हुई है पिछले साल से, तो आप जो है अपनी फाइल को नए तरीके से जो है प्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी फ़ाइल में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई तो आप रिस्क ना लें। यानी कि पिछले साल भी अगर आपकी मान लो 6-7 लाख की इनकम थी या 5 लाख टैक्स फ्री इनकम थी, और इस साल भी अभी तक उसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं, तो आप अभी वीज़ा मत लगाएं। अगर आपकी फ़ाइल में पिछली फाइल से कोई इम्प्रूवमेंट हुई है तो आप जो है अपना वीज़ा जो है रीलॉन्च कर सकते हैं, तो आपको सक्सेस मिल सकती है। स्पेशली जैसे कि मान लो आपकी पहले 60,000 सैलरी आ रही थी, अब आपको कोई इंक्रीमेंट मिल गया, आपकी 70,000 हो गई है, तो ये आपकी प्रोफाइल में जो है चेंजेस हो जाते हैं। उसमें आप अपनी 3-4 जो है रीसेंट पे स्लिप्स अटैच कर सकते हैं, और आपके जो सर्कमस्टांसेस चेंज हुए हैं वो अपनी जस्टिफिकेशन लेटर में या कवरिंग लेटर में मेंशन कर सकते हैं, तो आपके जो है वीज़ा आने के चांसेस रहेंगे। लेकिन अगर आपकी फ़ाइल में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई तो आप वेट कर सकते हैं, या फिर आप जो है नए फाइनेंशियल ईयर तक वेट कर सकते हैं, तो अप्रैल के बाद जो है अपना वीज़ा ट्राई कर सकते हैं। अगर आपकी जो है ITR जो है आपकी इंक्रीज़ हो जाती है, यानी कि ITR के एक्नॉलेजमेंट पेज पे जो आपकी इनकम है पिछले साल से ज़्यादा आती है, तो भी आप जो है अपना वीज़ा ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपने कोई बैंक बैलेंस पिछली फाइल में मेंटेन नहीं किया हुआ था, आपने कोई रिसेंट डिपॉजिट्स किए हुए थे, तो आप मेक श्योर करें कि जब आप अपनी नई फाइल लगाएं तो आप एक प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट यानी कि मेंटेन जो बैंक बैलेंस होता है उसी के साथ ही अपनी जो है फाइल रीलॉन्च करें, ताकि आपको जो है वीज़ा में सक्सेस मिल सके। तो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। इसके अलावा वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो लेके आएं तो आपको जो है अपडेट्स मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।